हेलो एवरीवन, जय माता रानी। आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिना द होममेकर में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, आज मैं एक ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। मैं 34 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, जिसके लिए मैं बैक साइड का लंबाई 14.5 इंच लिया है। हमें बन के तैयार चाहिए 14 इंच में, और 5.5 इंच हम शोल्जर लिए हैं। मैं गले का 2.5 इंच में लूंगी। गले का लंबाई मैं 10 इंच में लूंगी। यहाँ से हम 2.5 इंच में लगा लेंगे। अभी इसको एक चक्कर बना देंगे। मैं भी डिजाइन का गला बनाऊंगी। वैसे स्केल में हम इसको लाइन खींच लेंगे। अभी कपड़ा कटने के बाद इसमें हम इसे कॉट लगाएंगे, जो हमें आसानी से पलटने के लिए भी इजी होगा, उसमें चुन्नट नहीं आएगा। अभी इसे पलट के एक बार सिलाई लगा लेते हैं साइड साइड से। इसको हम इसे साइड से अच्छे से फोल्ड कर देंगे जो सिलाई किए थे। अभी ऊपर से एक बार सिलाई मार देंगे। अभी हम ब्लाउज को ऐसे रखेंगे, इसका आधा करेंगे। यह 4 इंच का टाका लगाएंगे। टोटल 1 इंच का, इस तरफ 1/2 इंच, इस तरफ 1/2 इंच, दूसरे तरफ में से भी वही करेंगे। 4 इंच और इधर 1/2 इंच, इस तरफ भी 1/2 इंच। दोनों तरफ से मैंने टका लगा दिया है। मैं यहाँ 4 इंच के नीचे एक पट्टी लगाऊंगी। उसके लिए हमारा कपड़ा लेंगे। मैं 6 इंच में 3 इंच का एक पट्टी ली हूँ, 3 इंच और 6 इंच में एक पट्टी ली हूँ। उसको अभी हम तैयार करते हैं।
अभी एक कपड़ा हम लिए हैं 7.5 इंच लंबाई और चौड़ाई 6 इंच में, इसको सिल लेते। अभी वो पट्टी में मैंने दोनों तरफ से लेस लगा के अच्छे से रेडी कर लिया है। अभी इसको बीच में से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते और एक फूल के जैसे बना लेते। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अभी ये बन गया है। अभी इसके ऊपर आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुंदर लगे बना लीजिए। अभी इसका हम अभी इसको पलट रहे हैं। पलटने के बाद इसमें लेस लगा लेते। अभी इसको मैंने अटैच कर लिया है। देखिए कितना सुंदर बना है। अभी इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। हम जो फ्लावर बनाए थे इसको इधर अटैच करेंगे। देखिए ब्लाउज का डिजाइन पूरा बन के तैयार है। कितना प्यारा बना है। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।